जिला सोलन के अर्की उपमंडल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अर्की विकास समिति की विशेष बैठक सामुदायिक भवन अर्की में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने की। समिति की हमारी जो बैठक अर्की की गौशाला भवन है उस पर संपन्न हुई और इसमें लगभग 8,800 लोगों ने भाग लिया और ये बैठक का पूरी अर्की विधानसभा क्षेत्र के 72 पंचायतें हैं और 132 बूथ, उसकी हमारी जो टोटल कार्यकारिणी है वो सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। और आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा था, आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2022 नवंबर में जो ड्यू है, उसपे किस पार्टी को और किस कैंडिडेट को हम विधानसभा के चुनाव उतारेंगे, उसमें सर्वसम्मति जो आज निर्णय हुआ है उसपे हम किसी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, किसी को भी समर्थन न देते हुए हम निर्दलीय अपना जो प्रत्याशी है उसमें सभी लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे आज इन्होंने सेलेक्ट किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और सभी जितना भी समिति के हमारे सदस्य हैं कि ये जो चुनाव है ये हमें किसी भी कीमत पर जीतना भी है और हम आने वाले जो 4.5 महीने हैं उसमें पूरा डोर टू डोर हमारा जो पैदल हमारा कैंपेन होगा वो करेंगे और किसी भी प्रकार का अगर किसी को भ्रम हो, किसी पार्टी को, किसी को कोई सौदेबाजी को दबाव, ऐसा कोई भी चांस नहीं होगा और ये चुनाव हम निर्दलीय रूप में लड़ेंगे। सिटी चैनल के लिए अर्की से शहनाज भाटिया के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।